बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज किस वीडियो देखने वाले हैं, हम बात करेंगे BSc थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट MJP अरुणखंड यूनिवर्सिटी बरेली में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है जिसमें हमने MJP अरुणखंड यूनिवर्सिटी का 1 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है, 1/7/2022 को, मतलब को परसों। 2 दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 10 क्वेश्चन, मैं आपको 10 से 11 क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में छपते होंगे, तो समझ लीजिए इन क्वेश्चनों को याद करके आप 70% प्लस ला सकते हैं। आपको क्या करना होगा, बेहतरीन तैयारी करनी होगी, संघर्ष के साथ लड़ना है, क्योंकि अब हमारी जीत विजय की होनी चाहिए। हम कहते हैं ना बार बार फेल हो जाते हैं, तो यार वो नहीं होना है। और हाँ, कोई भी दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं, समझ रहे हैं ना। तो संघर्ष करिए, अब हम उसमें मदद आपकी जरूर करेंगे, हर तरफ से हम आपकी हेल्प करेंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कोई भी वीडियोस आती है उस वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सअप पर कर दीजिए, टेली और इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो उस पर भी शेयर कर दीजिए, शेयर चैट आप चला रहे हैं तो उस पर भी शेयर कर दो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। बस 2 मिनट की बात नहीं होती, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट मांगता हूँ शेयर करने के लिए, और मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर BA BSc BCOM कुछ भी है, आप उनसे बोलिए कि पेपर हैकर से पढ़ाई करिए। सबकी क्लासें आप paperhacker.in पर जाकर डाल सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है paperhacker.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। आप किसी से यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, नोट्स आप लो वहां से। नोट्स का मतलब क्या है, प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ यार, सबसे बड़ी चीज़ है। इतने बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, आप ये खुद कहोगे कि हाँ सर ने क्या प्रैक्टिस सेट दिया है। UPSI के जितने पेपर हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग दे रहे हैं यार, ये हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। सोचो UPSI में कितने पेपर हुए थे, 1 महीना पेपर चला था और 3-3 शिफ्टों में पेपर हुए थे, समझ रहे हैं ना, 2-2 3-3 शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो 2-2 शिफ्टों में यदि बात की जाए, 2 शिफ्टों में पेपर हुए तो कितने लेंगे, 60 पेपर होंगे, और 60 पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराए ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। हमने नेकपाल के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, वो वाले जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं। डी फार्मा के प्रैक्टिस सेट हमने आपको दिए हैं, कि हर चीज़ के प्रैक्टिस सेट हम BEd एंट्रेंस एग्जाम की 4 से 5 बुक आपको प्रोवाइड कराइए, वो भी फ्री में। एप्लीकेशन डाउनलोड करो जाके प्ले स्टोर पर, बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, हमने खुद अपनी लॉन्च की है, लिंक आपको मिल जाएगा paperhacker.in पर। आज बात करने वाले हैं हम, जो आपका 1 जुलाई को पेपर होने वाला है फिजिक्स के फर्स्ट पेपर, देख लो ध्यान से 2022 में कौन सा पेपर छप रहा है, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन छप रहे हैं, ये मैंने, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, 70% प्लस लेके आना है। देख लो सिर्फ 2 दिन पढ़कर आप 70% ला सकते हो। पहला क्वेश्चन है माइकलसन मॉर्ले का प्रयोग, पढ़ लो। फर्मी ऊर्जा क्या होती है, पढ़ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं, 100% छपेंगे, कोई नहीं रोक सकता। आदर्श गैस समीकरण पढ़ लो, कोई नहीं रोक सकता इसको आने के लिए, कोई भी। आइंस्टीन के प्लैंक वितरण का नियम पढ़ लो, ठीक है, प्लैंक के बेग जो होता है वितरण का नियम पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट पर लगा देना, इसको कोई हटाने वाला पैदा नहीं है। जिसे कहते हैं फर्मी ड्राक वितरण, एक होता है फर्मी ड्राक वितरण, एक होता है फर्मी ड्राक विकरण, एक होगा विकरण, एक होगा वितरण, याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100%। लारेंज रूपांतरण क्या होता है, 100% पेपर में छपेगा, कोई नहीं हटा सकता। लुवेन की प्रमेय को सिद्ध करिए, कोई नहीं हटा सकता, ये क्वेश्चन बनते हैं अथवा में आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4 अथवा में क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसको देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेग जोड़त्व प्रमेय इसको पढ़ के जाना, बस सूक्ष्म अवस्था क्या होती है इसको पढ़ के जाना। मैंने अभी बताया बॉस आइंस्टीन के द्वारा विकरण नियम और वितरण नियम दोनों को पढ़ लेना, आइंस्टीन द्वारा विकरण नियम भी दिया गया था और वितरण नियम भी दिया गया था, दोनों को पढ़ लेना। यहाँ है मैक्स, देखो मैक्स बेल के बेग वितरण नियम निगमन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट पर लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप एक बार पढ़ के चले जाओ आप बना बना के लिख दोगे। तो इनको जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको रट के जाना है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कह सकते हैं प्रियक्ता क्या होती है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, प्रियक्ता के बारे में। और उसके बाद जुड़त फ्रेम जो देखियो यहाँ कह रहे हैं पृथ्वी का जुड़त फ्रेम के बारे में, पृथ्वी जुड़त फ्रेम क्या होता है उसके बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। द्रव्यमानहीन कण क्या होते हैं उनके उदाहरण सहित आपसे पूछता है, पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है वेग और वेग वितरण आपसे पूछ लेता है। और उसके बाद में यहाँ देखो लास्ट में हम आपसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है,
और गैलीलियन संलक्षण नियम आपसे पूछ लेगा। गैलीलियन संलक्षण नियम क्या होता है आप इसको एक बार पढ़ के चले जाना, बाकी यहाँ कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूँ। देखिए, और बाकी आप यदि कोई क्वेश्चन आपसे वंचित रह जाता है, 70% की बात कर रहा हूँ मैं, 30% मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आए, तो आप उस क्वेश्चन को बना बना के करके आएंगे, जो क्वेश्चन आपके नहीं फंसे 30%, 70% प्लस फंसेगा, लेकिन मान लीजिए 30% नहीं फंसा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% ही फंसेगा, तो आप उसके जगह पर जो नहीं आ रहा है उसको बना बना के करके आएंगे। लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि करिए आप सभी लोग कि मुझसे एक मतलब पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। पेपर में क्वेश्चन उसने दे दिया ना एग्जामर में, तो कुछ भी हो जाए, कहीं का कुछ भी लिखे, लेकिन लिख के आएंगे, कॉपी को भर के आएंगे, मुझसे वादा करो आप सभी लोग। ठीक है, देखो, और फिर उसके बाद मुझे बताना कि कितने अच्छे नंबर आए आपके। देखो, कॉपी आपकी भरी होगी ना, तो इन पेपर देखो एग्जामर आपकी कॉपी चेक करते हुए नंबर देगा। कॉपी में कुछ लिखा नहीं है तो कौन दे सकता है, खुद आप जानते हो, ये मैं नहीं, ये पता है, ये सब लोग कहते हैं। ठीक है, बेग के साथ रमान का भिन्नता आप देख सकते हैं, इसको छोड़े सब जो मैंने आपको बताया भाई पढ़ लो, बस काम हो जाएगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने भाई बहन सभी को बता दो कि पेपर हैकर से ही पढ़ना है, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, किसी में हो। ठीक है, अब तो हम कक्षा 6 से लेकर सबको हम प्रोवाइड कराएंगे क्लासेस, सबको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप बेहतर रहो, अच्छा रहो और अच्छा पढ़ो। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, कोई प्रॉब्लम आ रही है पेपर देने के बाद तो भी हमें बताना कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, दिक्कत हुई, कुछ क्वेश्चन छूट गया, मुझे नहीं लगता मैं पास हो जाऊंगा, तो मुझे बताना जरूर यार, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले पेपर में कैसे तैयारी करनी है, वो तरीका आपको बताऊंगा। इसके सेकंड पेपर में क्या क्या तैयार करना है वो आपको बताऊंगा। याद रखना, 3 पेपर में से एक पेपर इतना हार्ड आएगा, तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि पेपर में क्या छप रहा है, याद रखना इस बात को। हो सकता है वो ये पेपर हो, ठीक है, लेकिन आपको संघर्ष करने के साथ चलना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, डरना नहीं है, पेपर में जाकर डरना नहीं, पहले वो क्वेश्चन करना है जो आपको याद है, उसके बाद में वो क्वेश्चन करना है जो आपको हल्का हल्का याद है, उसके बाद में वो क्वेश्चन करना है जो कतई याद नहीं है, फिर भी आप उस क्वेश्चन करके आएंगे, लेकिन छोड़ के नहीं 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 आना है। ओके, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, चलो, और दोस्तों को शेयर कर दो, बाकी मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। मतलब कि जो हमने सारे करा दिए, मैंने जूलॉजी का 1 जुलाई को पेपर है, उसके बाद में आपका कब है, 1 जुलाई को फिजिक्स का भी है, फर्स्ट फर्स्ट पेपर हो रहे हैं, सेकेंड ईयर वालों करा दूंगा, फर्स्ट ईयर वालों के भी करा दूंगा, आपका भाई बहन कोई भी है तो बता देना, BA, BSc, BCom सबके करा दूंगा, जो भी पेपर 2 दिन पहले देता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लूँ, थैंक यू।